एक पिपरी नाम के गांव में लाला सेठ की बड़ी कपड़े की दुकान थी। लाला के दुकान में मणि नाम का कर्मचारी था, जो लाला की लोगों को कपड़े दिखाने में मदद करता था। कई दिनों से लाला सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उसे शराब की आदत लग गई थी। एक दिन लाला से परेशान होकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर आज आपने शराब को हाथ लगाया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, आज मैं बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊंगा, तुम्हारी कसम। रोज तो आप मेरी झूठी कसम खाते हो, किसी दिन मैं सच में मर जाऊंगी। लेकिन आज सच कह रहा हूँ। और लाला ने फोन रखकर मणि से कहा, हाँ आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, तुम दुकान बंद करके चाबी लेकर आ जाना। लाला घर जाने के लिए निकला, तभी उसे रास्ते में एक दोस्त मिल गया। उसे परेशान देखकर लाला ने कहा, अरे भाई सीताराम, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं, दिन भर बीबी की कचकच सुनकर मैं परेशान हो गया हूं। उसकी जवान कैची जैसी चलती रहती है, रुकती ही नहीं, इसलिए मैं ही बाहर निकल आया। महीना भर काम करके पूरा पगार उसके हाथों में रख दिया, उसमें से सिर्फ 2,000 रुपए मैंने दारू के लिए मांगे तो देने से मना कर दिया और अपना भाषण शुरू कर दिया। अरे भाई, मेरे घर में भी रोज यही होता है, इसलिए आज जल्दी घर जा रहा हूँ, तुम्हारा दुख सुनकर बुरा लगा। आखिर हम बेवड़े ही एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं ना? तुम सही कह रहे हो दोस्त, चलो ना एक एक घूट मार के आते हैं। नहीं यार, आज नहीं, बीबी फिर से तमाशा करेगी। कई देर सीताराम के कहने पर लाला मान गया और दोनों शराब की दुकान पर गए। लाला जी, पहले कल के 2,000 दीजिए, उसके बाद ही आपको शराब मिलेगी। अरे भाई, किस बात के 2,000, कल तो मैंने सिर्फ 300 रुपए की दारू पी थी। शराब पीने के बाद आपको होश कहाँ रहता है? कल आपने 4 लोगों को बिठाकर शराब पिलाई थी और कहा था कि इनका बिल भी मैं भर दूंगा, उधारी में लिख लेना। ठीक है भाई, ये लो। इसी तरह शराब वाला लाला को बेवकूफ बनाकर हमेशा पैसे लूटता था। थोड़ी देर में दोनों फुल शराब पीकर निकले। लाला जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीबी उसी हालत देखकर समझ गई कि आज भी लाला पीकर आया है। क्यों, आज भी मेरी झूठी कसम खाई ना? अरे थोड़ा धंधे पर ध्यान दो, घर में कुछ नहीं बचा है, आपने सारी बचत शराब में बहा दी है। अरे भाग्यवान, पैसा खर्च के लिए ही तो कमाया जाता है, जैसे तुम गहनों में पैसे उड़ाती हो वैसे मैं दारू में उड़ाता हूँ, बस हिसाब बराबर, अब मैं चला सोने। इस तरह लाला बीबी की सारी बातों को नजरअंदाज करने लगा और पूरे दिन दोस्तों के साथ शराब की दुकान पर बैठा रहता। एक दिन लाला सीताराम के साथ शराब की दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ पर मणि दौड़ते हुए आया। सेठ जी जल्दी चलिए, सेठानी जी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आया हूँ, मगर डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक 4 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक ऑपरेशन संभव नहीं है, जल्दी पैसे लेकर चलिए। क्या एक्सीडेंट? पर मेरे पास पैसे तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ? दोस्त सीताराम, आज पैसे दे दे, बीबी का ऑपरेशन है भाई। जा रे फोकटिया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, वो तो तू फ्री की पिला देता है इसलिए तेरे साथ बैठ जाता हूँ, मैं तो चला घर। इन बातों ने लाला की सारी शराब उतार दी। वो हर जगह गया, दुकान के गल्ले से लेकर घर के आटे के डब्बों तक, पर उसे 1 रुपया नहीं मिला। उसने लोगों से उधारी भी मांगी पर सबने शराबी समझकर उसे पैसे देने से मना कर दिया और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कुछ देर बाद मणि लाला के पास आया। सेठ जी, सेठानी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनते ही लाला के पैरों तले जमीन खिसक गई और लाला रोने लगा। मेरी पारो रोज कहती रही, शराब छोड़ दो, धंधे पे ध्यान दो, बचत करो, लेकिन मैं झूठे दोस्तों की बातों में आकर कहता रहा, पैसा तो उड़ाने के लिए ही होता है। अब मुझे सब समझ में आ गया कि बचत कितनी जरूरी होती है, अगर मैंने शराब छोड़ दी होती तो आज मेरी पारो जिंदा होती। हे भगवान,
मैं अब से कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस मेरी पारो को वापस कर दो। तभी पीछे से एक आवाज आई, तो आज के बाद पक्का कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे ना? हाँ भगवान, पक्का। हाथ तो क्या, देखूंगा भी नहीं, बस पारो को वापस कर दो। ये भगवान नहीं, मैं बोल रही हूँ। अब रोना बंद करो, ये हमारी तरकीब थी ताकि तुम्हारी शराब छुड़ा सके। यह सुन लाला बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद उसने सारी बुरी आदतें छोड़ धंधे पर ध्यान देने लगा और बचत करने लगा। और लाला ने अच्छे दोस्त भी बना लिए जो उसकी मुसीबत में मदद करे। एक गांव में मालती नाम की महिला रहती थी। उसका बेटा किशोर शहर में कपड़ों की फैक्ट्री का मालिक था और अच्छे पैसे कमाता था। मालती का समृद्ध परिवार था, लेकिन फिर भी मालती पुराने ख्यालात की थी। एक दिन उसकी पड़ोसी सहेली रेखा उसके घर आई। सुना है तुम किशोर की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पता कैसे नहीं चलेगा, तुमने कल सुमन से कहा और उसने पूरे गांव में बात फैला दी। अब औरत के पेट में कोई बात कब तक रुकेगी? हाँ, मैं सोच रही थी कि इस साल किशोर की शादी कर दूं। बस इसीलिए ये बात मैंने सुमन से कही थी कि कोई गांव की अच्छी लड़की नजर में हो तो बता देना। अरे मालती बहन, गांव में तो सारी अनपढ़ लड़कियां हैं और अपना किशोर तो पढ़ा लिखा ठहरा, तो वो भला गांव की अनपढ़ लड़की से शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। तुम्हें तो पता है पढ़ी लिखी लड़कियां घर तबाह कर देती हैं, इसीलिए अनपढ़ लड़की देख रही हूँ जो मेरी मुट्ठी में रह सके। तुम्हारी सोच तो तुम्हारी जैसी पुरानी हो गई है, अब जमाना बदल गया है। हाँ, तू रहने दे, अभी हमेशा उल्टी ही बात करती है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। और मालती वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद किशोर शहर से गांव आया और जब उसे शादी के बारे में पता चला तो उसने माँ से कहा, माँ, अब आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लड़की ढूंढ ली है, उसका नाम दीपा है। यह कहते हुए किशोर माँ को लड़की की फोटो दिखाता है। लड़की तो सुंदर है, पर ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है ना? पढ़ी लिखी है और मेरे दोस्त की कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम भी करती है। ये फैशन डायनासोर क्या है? फैशन डायनासोर नहीं, फैशन डिजाइनर मतलब कपड़ों की सुंदरता बढ़ाने का काम करती है। माँ, हमारी नंबर वन जोड़ी है, मैं फैक्ट्री में कपड़े बनाऊंगा और दीपा उन्हें डिजाइन करेगी। नहीं नहीं नहीं, इससे तेरी शादी नहीं हो सकती। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और ऊपर से शहरी, ये तो पूरा ही घर खा जाएगी। हाँ, पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू नहीं, आपकी ये सोच घर खा जाएगी। और माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ दीपा के साथ करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। इस तरह किशोर मालती से गुस्सा होकर शहर चला गया। किशोर के गुस्से और जिद के कारण मालती शादी के लिए राजी हो गई और किशोर को कहा, ठीक है, तू उस लड़की से शादी कर ले, लेकिन एक शर्त पर, कि वो नौकरी नहीं करेगी और घर पर रहकर गृहस्थी संभालेगी। फिर कुछ समय बाद किशोर और दीपा की शादी हो जाती है। शादी के बाद दीपा नौकरी छोड़कर घर के काम करने लगी और किशोर अपना कारोबार संभालने लगा। सब सही चल रहा था कि एक दिन किशोर को फोन आया। हेलो मालिक, शॉर्ट सर्किट के कारण हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया। यह सुनकर किशोर के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ गहने हैं, उसे तोड़कर हम फिर से अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। नहीं, इतने कम पैसों से कुछ नहीं होगा, लोगों के उधार भी तो देने हैं। ठीक है, इससे मैं फैशन डिजाइनर का काम शुरू करती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुम कुछ नहीं करोगी, लोग क्या कहेंगे। नहीं माँ जी, हमें लोगों से क्या मतलब है, आज हमारा बुरा वक्त है, कोई बैठकर हमें पैसे लाकर नहीं देगा। और वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, काम करना चाहती हूँ। हाँ माँ, ये सही कह रही है, वैसे भी अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और फिर दीपा
अपने गहने तोड़कर फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू करती है और किशोर शहर जाकर ऑर्डर लेने का काम करने लगा और दोनों खूब मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनका काम बहुत बढ़ता चला गया और उन्होंने एक बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी खोल दी। यह सब देख रेखा मालती से कहती है, अच्छा तो अब बड़ी कंपनी भी शुरू कर दी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू जो इतनी होशियार है। अगर उस दिन भी तुमने बहू को काम करने से रोका होता तो आज तुम्हारे दिन बहुत बुरे होते। हाँ रेखा तुमने सही कहा, मैं गलत सोचती थी, बहू को मुट्ठी में नहीं दिल में रखना चाहिए। आज मेरी बहू पढ़ी लिखी है और उसके काम की वजह से ही आज हमारे फिर से अच्छे दिन आए हैं। इसीलिए सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए और पुरानी सोच बदलकर जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे इस पर ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है, एक गांव में रोशनी और रमेश रहते थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। रोशनी चुकी नई थी इसीलिए उसे ससुराल के रीति रिवाज नहीं पता थे। इस बात पर उसकी सास हमेशा उसको ताने मारती रहती थी। सास बोली, अरे ओ कल मुही, सुबह के 8 बज गए हैं और तुमने अभी तक चाय के लिए पूछा भी नहीं, कितनी बेशरम है, नालायक। जा जल्दी से और मेरे लिए एक कप चाय बना के ला, वो भी मलाई मार के। ऐसे रोज रोशनी की सास काम करने को कहती और हर दिन उसका अपमान करती। इस रवैये से रोशनी भी तंग आ चुकी थी। वो भी बोली, मुझे घर में क्या एक ही काम रहता है, उनका टिफिन बनाओ, घर का चूल्हा चौका करो, पानी भरो, ये कौन करता है, आप क्या मैं? आहा बड़ी आई काम करने वाली, जब मैं इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो मैं तुमसे ज्यादा काम करती थी, बड़ी आई मुझे बताने वाली। सास बोली। इस तरह रोशनी रोज के रोज इन तानों से परेशान हो गई थी। उसे उसके मायके में कुछ काम करने की आदत नहीं थी इसलिए रोशनी सास की बातें सुनकर उब गई थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंच गई, रोशनी अपने मायके चली गई। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ, मेरा किया कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उनका स्वभाव है, मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए बस। रोशनी ने क्रोध में अपनी बात कही। वैद्य बोले, बेटी चूंकि तुम्हारे पिताजी हमारे अच्छे मित्र हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, रोशनी बोली। वैद्य अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और रोशनी को थमाते हुए बोले, रोशनी तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती है और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना, और ध्यान रहे इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना है, उनकी बात माननी होगी ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। जाओ अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से व्यवहार करो। रोशनी खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था, अब वो अपने सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य की बात ध्यान रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते करते नहीं थकती थी, वो अब घर घर घूमकर रोशनी की तारीफ करते करते नहीं थकती थी। रोशनी भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी, उसे अपनी सास में मां नजर आने लगी थी।
रोशनी को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य के पास जा पहुंची। वैद्य जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती, वो तो एकदम बदल गई हैं और मुझे बहुत प्यार भी करने लगी हैं। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए, रोशनी रोते हुए बोली। वैद्य बोले, बेटी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डब्बे में तो बस स्वास्थ्य वर्धक जड़ी बूटियां थी, जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ अब खुशहाली से अपने सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। ऐसा कहकर रोशनी उसके ससुराल गई और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम प्यार से परिस्थिति का सामना करें तो सामने वाला भी हमसे प्यार से ही बर्ताव करेगा। झगड़ा करने में कोई मतलब नहीं,